नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, दमोह जिले से बड़ी खबर निकल कर आ रही, कोरोना ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही। दमोह जिले में शतक पूरा हुआ, जी हां, 98 मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। खतरे की घंटी अब दमोह में बजी है और हम आपको बता दें कि 28 मरीज अकेले पथरिया क्षेत्र से पाए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में मरीज आज दमोह जिले से निकले हैं और हम आपको बता दें खतरे की घंटी इसलिए कह रहे हैं कि ये आंकड़े 2 बजे तक के हैं, इसके बाद भी आंकड़े यहाँ बढ़ेंगे और कोरोना का आंकड़ा शतक के पार पहुंचने की उम्मीद है। अभी 98 मरीज दमोह जिले से पॉजिटिव आए हैं, जिसमें सबसे चिंताजनक बात ये है कि पथरिया क्षेत्र से 28 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं और बाकी मिला करके कुल जो है 98 पर आंकड़ा आज दमोह ने भी पार कर लिया है। हम आप सबसे फिर अपील करेंगे, बार बार अपील कर रहे हैं, सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस बनाए रखिए, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। हालांकि एक सुखद खबर ये है कि अभी किसी भी गंभीर मरीज को ऑक्सीजन की कमी देखने को नहीं मिल रही है। इस तीसरी लहर के अंदर ये एक अच्छी बात है कि ऑक्सीजन की कमी किसी भी मरीज को देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन चिंताजनक ये है कि प्रसार लगातार बढ़ रहा है कोरोना का, जो कि 98 पर पहुंच गया है। इसको रोकना ही होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।